सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी बच्चों के लिए नोटबुक लें तो यूँ अलग अलग नोटबुक ना लें। एक ही नोटबुक में कम्बाइंड तीनों सब्जेक्ट होती हैं, वही नोटबुक आप बच्चों के लिए लें जो उनको पढ़ने में सुविधा होगी। ओके चिल्ड्रेन, लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक पैटर्न। स्टैंडिंग लाइन जिसको हिंदी में खड़ी लाइन बोलते हैं। सेकेंड, स्लीपिंग लाइन जिसको हिंदी में सोई हुई लाइन बोलते हैं। स्लैंटिंग लाइन जिसको हिंदी में तिरछी लाइन बोलते हैं। फोर्थ, जिग जैग। फाइव, कर्व जो आपको यू शेप में करनी होगी। चलिए बच्चों, आप मैं इसको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। चलिए हम लोग स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यू रेड लाइन में आपको टच करनी है, फिर ब्लैक में आके स्टॉप करनी है। रेड लाइन में टच करनी है और ब्लैक में आपको स्टॉप करनी है, नहीं तो फिर आप ऐसे डॉट भी दे सकते हैं। फिर यूँ आप ऐसे डॉट डॉट में से मिला सकते हैं। यूँ डॉट देके यूँ ऐसे लाइन में आप मिला सकते हैं। सेकेंड, स्लीपिंग लाइन जिसको सोई हुई लाइन बोलते हैं। यूँ आप एकदम लाइन पे ही करने की कोशिश कीजिएगा। यू एकदम स्लो इस पे आप पेंसिल मूव कीजिएगा। यू इसमें भी आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे डॉट दीजिए फिर यहाँ डॉट दीजिए, फिर दोनों को आपस में यू मिला दीजिए। स्लैंटिंग लाइन जो आपको यू तिरछी करनी होगी। यू तिरछी, यू ऐसे आप रखिए पेंसिल, यू नीचे आइए ऐसे, एकदम स्लो करना है, एकदम आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें। यू रेड में स्टार्ट करना है, ब्लैक में रुकना है। फोर्थ, जिग जैग, चलिए इसको यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। यू इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप लोगों को इंजॉय करते हुए तब आराम आराम से करनी है। यू अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से आप लोग को जिग जैग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे लास्ट, कर्व जिसको यू शेप में आपको स्लो स्लो लिखनी है। यू एकदम स्लो स्लो लिखनी है, एकदम पेंसिल को एकदम हल्की मूव करके। यू